नमस्ते, आप लोगों का ग्रोसरी सत्ता चैनल में स्वागत है। फिर साल बहुत ही प्यार था, कुछ डिजाइन लेकर के आई हूँ। बहुत सुंदर लगता है फ्रेंड्स, और बनाने में भी आसान है, इसे बिजनेस भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे थे, प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। चेन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन, और पहला वाला चेन में डालते हुए स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पर 1 चेन ले लेंगे और इसी में पफ बनाएंगे। ऐसे 4 टाइप इस तरह से पकड़ते हुए खींचेंगे, और फिर इसी लूप में डालते हुए एक सिंगल क्रोशे बना देंगे। इस तरह से 1 चेन का गैप देंगे, नेक्स्ट पफ इसी में बनाएंगे, फिर इस तरह से पकड़ेंगे, 1 चेन का गैप, नेक्स्ट पफ इसी में बनाएंगे। इसी तरह से इसमें पूरे राउंड को कंप्लीट करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इस तरह से यह राउंड कंप्लीट हो गया। ये टोटल इसमें 12 पफ बन के तैयार हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 चेन लेकर के, और ये पहला वाला पफ के ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे। 1 चेन लेकर के इसको छोड़ देंगे फ्रेंड्स। यहाँ से दूसरा कलर लगाएंगे, इसके बाद फिर से यहाँ से ऑरेंज कलर लगाएंगे। इस तरह से जो व्हाइट कलर है इसी में डालते हुए एक लॉक कर देंगे, और ये जो पहला वाला जो 1 चेन का गैप है इसी में डालते हुए व्हाइट कलर को यहीं पर छोड़ देंगे। इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे, 1 चेन लेंगे, ऐसे में पफ बनाएंगे। व्हाइट कलर से आगे कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। वन चेन लेंगे और नेक्स्ट 1 चेन का गैप में पफ बनाएंगे। वन चेन, इसी तरह से फिर पूरे राउंड में 1-1 पफ बना करके रिपीट करेंगे। 1 चेन, नेक्स्ट में 1 पफ। इसे पूरे कंप्लीट करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर व्हाइट धागा को भी साथ में लेते हुए इस तरह से इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। अब ये व्हाइट ऑरेंज को इस तरह से छोड़ देंगे, इसमें व्हाइट धागा लेंगे और नेक्स्ट इस गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 चेन लेंगे और इसमें पफ बनाएंगे। इस तरह से 1 चेन लेंगे और नेक्स्ट इसी में एक पफ और बना देंगे। वन चेन का गैप देंगे
नेक्स्ट गैप में भी वन चेन का गैप, नेक्स्ट इसी में एक पफ और बना देंगे। वन चेन का गैप, नेक्स्ट गैप में टू पफ, हर गैप में फ्रेंड्स दो दो पफ बनाते हुए और वन चेन लेते हुए कंप्लीट करेंगे इस तरह से। आपको अगर चेन टाइट लग रहा होगा तो चेन बढ़ा भी सकती हैं। इस तरह से फ्रेंड्स कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स, इस तरह से यह राउंड कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर वन चेन लेकर के पहला वाला पफ में स्लिप स्टिच कर देंगे। आइए ऑरेंज कलर को भी इस तरह से रख लेंगे ताकि ऊपर आ जाएगा, स्लिप स्टिच कर देंगे और इसको छोड़ देंगे। ऑरेंज कलर से वन चेन लेंगे और नेक्स्ट इस गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। वन चेन लेंगे, इसमें पफ बनाएंगे। वन चेन लेंगे और नेक्स्ट पफ में, नेक्स्ट गैप में पफ बनाएंगे। इस तरह से पूरे राउंड में इसी तरह से कंप्लीट करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया। और इस यहाँ पर चेन लेकर के पहला वाला पफ में स्लिप वाइट धागा को भी लेते हुए इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। नेक्स्ट वाइट धागा सिंगल चेन लेंगे और नेक्स्ट यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। वन चेन लेंगे और इसी में पफ बनाएंगे। वन टू थ्री फोर टाइम लूप लेंगे, ऐसे ऐसे पकड़ते हुए सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देंगे। वन चेन लेंगे और नेक्स्ट इसी में एक पफ और बनाएंगे। वन चेन, नेक्स्ट गैप में भी टू पफ बनाएंगे। वन चेन, इसी तरह से फिर पूरे राउंड को रिपीट करेंगे। करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यह राउंड कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर चेन लेकर के ये पहला वाला पफ में स्लिप स्टिच कर देंगे, वाइट स्लिप स्टिच कर देंगे। इस कलर को यहीं पर कट कर देंगे फ्रेंड्स। इसके बीच में सिंगल क्रोशिया से लॉक करके वन चेन लेंगे, इसी के बीच में पफ बनाएंगे। यहाँ पर टू चेन लेंगे और नेक्स्ट इसी बीच में एक पफ और बना देंगे। यहाँ पर वन टू चेन लेंगे फ्रेंड्स और इसके बीच में पफ बनाएंगे। टू चेन लेंगे और इसके बीच में एक पफ और बना देंगे।
इस तरह से। तो यहाँ पर टू चेन लेंगे और नेक्स्ट इस बीच में पॉप बनाएंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट इसी तरह से यहाँ पर टू चेन लेते हुए पफ बनाएंगे। तो ये दो राउंड बना करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से यह राउंड कंप्लीट हो गया और ये दो राउंड बना करके दिखा रहे हैं, वन और टू। यहाँ पर भी दो चेन लिए हैं और यहाँ पर भी दो चेन लिए हैं। अब इसके बाद पहला वाला पफ में इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहीं पर पॉप बनाएंगे। टू चेन लेंगे, नेक्स्ट सेम गैप में वन पॉप और बना देंगे। यहाँ पर वन टू थ्री चेन लेंगे और नेक्स्ट इस पॉप में गैप में पॉप बनाएंगे। टू चेन, टू थ्री चेन का गैप देंगे और नेक्स्ट इसमें पॉप बनाएंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स ये पूरे राउंड को रिपीट करेंगे और आपको इससे आपको जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उसी तरह से उतना बड़ा आप बना सकती हैं सेम पैटर्न से हर लाइन में। या तो आप जैसे दो दो करके एक बार बढ़ाए, फिर ये थ्री चेन का दो बार बढ़ाएंगे, फिर फोर चेन का दो बार बढ़ाएंगे। या आपको अगर लगे कि टाइट हो रहा है तो आप हर लाइन में एक एक चेन बढ़ा सकती हैं फ्रेंड्स। लेकिन इसी ऐसी पैटर्न से पूरा आगे बनाएंगे, आगे बना करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से यह राउंड कंप्लीट हो गया और यहाँ पर स्लिप स्टिच से यहाँ सेवन चेन लिए हैं फ्रेंड्स लास्ट में और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। वन चेन लेकर के इसको कट कर देंगे। ये टोटल यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट राउंड वाइट कलर से बनाए हैं। आप अपने अनुसार जितना बड़ा बनाना चाहे बना सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स दूसरा कलर लगाएंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स ऑरेंज कलर लगाएंगे। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जॉइंट करेंगे सिंगल क्रोशिया से। यहाँ पर वन टू थ्री चेन लेंगे और इसी में डबल क्रोशिया बना देंगे ये टू चेन के गैप में। यहाँ पर वन टू थ्री फोर चेन लेंगे और एक पिकॉट इस तरह से डालते हुए बना देंगे। वन चेन का गैप देंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया इसी में बनाएंगे फ्रेंड्स। फिर यहाँ पर फोर चेन लेंगे, टू थ्री फोर चेन और स्लिप स्टिच कर देंगे। वन चेन का गैप देंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया इसी में बना देंगे, फोर चेन फिर से लेंगे, थ्री फोर चेन और एक पिकॉट बना देंगे। वन चेन का गैप देंगे, नेक्स्ट वन टू थ्री फोर चेन और वन पिकॉट।
या 1 2 3 4 हो गया फ्रेंड्स। वन चेन लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया इसमें बना देंगे, 1 2 3 4 चेन लेकर के 1 पिकॉट बना देंगे, ऐसे से स्लिप स्टिच कर देंगे। टोटल यह 5 पिकॉट बन के तैयार हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा इस तरह से लंबा खींचेंगे और इस तरह से कर देंगे, 1 चेन ले लेंगे और इसमें डालते हुए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से बन के तैयार हो गया फ्रेंड्स। अब इसके बाद थोड़ा सा इस तरह से लंबा खींचेंगे इस तरह से हो गया और इसमें डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया इस तरह से लंबा खींचेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर सिंगल क्रोशिया इसी तरह से नेक्स्ट इस पफ में यहाँ जो पहला वाला व्हाइट से जो शुरुआत किए थे इसके बाद ये दो दो करके पफ बनाए, फिर तो यहीं पर ला करके इसमें सिंगल क्रोशिया से इसको लॉक कर देंगे। नेक्स्ट पफ में यहीं पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे, थोड़ा इस तरह से लंबा खींचेंगे और यहाँ पर डालते हुए फिर इस तरह से लंबा खींचेंगे इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। फिर बहुत सिंपल सा डिजाइन है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत खूबसूरत लगता है। और नेक्स्ट यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे, इस तरह से बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 चेन लेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे, 1 चेन का गैप, नेक्स्ट डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 चेन स्लिप स्टिच, 1 चेन का गैप, नेक्स्ट डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 चेन टू थ्री फोर चेन लेकर के स्लिप स्टिच कर देंगे, 1 2 3 4 5
पीकॉट बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। और इसको थोड़ा सा इसे लंबा खींचेंगे और यहीं पर सिंगल कुशिया बना देंगे। फिर से इसे लंबा खींचेंगे और नेक्स्ट इसी तरह से ये पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये पूरा डिजाइन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर लास्ट में थोड़ा सा रखे हैं कि फिर से दिखा दे आपको। इस तरह से इतना लंबा खींचते हुए वन चेन ले लेंगे और इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर इस तरह से थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, वन चेन ले लेंगे, फिर इस तरह से लंबा खींचते हुए और इसमें पहला वाला जो सिंगल क्रोशिया से जहाँ ज्वाइंट किए थे फ्रेंड्स, वहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। वन चेन लेकर के इसको कट कर देंगे। फिर ये देखिए कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है। फिर कहीं से भी इसमें झोल भी नहीं है फ्रेंड्स। अगर ये डिजाइन पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा डिजाइन आपको कैसा लगा। थैंक यू।